तो फाइनली बहुत इंतजार करवाने के बाद यामाहा ने इंडियन XSR AKA यामाहा FZX को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यामाहा के धमाकेदार लॉन्च के बारे में, जिसमें यामाहा ने मोस्ट अवेटेड यामाहा FZX को लॉन्च कर दिया है, जो इंस्पायर्ड है आप सबकी फेवरेट बाइक यामाहा XSR से। तो क्या है ये FZX, इसमें आपको क्या नया मिल रहा है, क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं और कौन से क्या प्राइजेस पे ये बाइक आने वाली है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग देखने वाले हैं यामाहा FZX के अपडेट्स के बारे में। आखिरकार यामाहा ने अपनी अनाउंस डेट 18 जून को वर्चुअल लॉन्च करके यामाहा की FZX को लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि इस FZX के लुक्स कैसे हैं, क्या आपको ये बाइक पसंद आती है या फिर ये बिल्कुल ही अलग है यामाहा की XSR से। आइए जरा इसके लुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखने में ये बाइक यामाहा की नॉर्मल बाइक से या फिर FZ सीरीज से थोड़ी सी अलग है, और यामाहा के हिसाब से उन्होंने इस FZX को इंडिया के लिए ही एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया है, जिसमें आपको यूनिक डिजाइन वाले बायफंक्शनल LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत LED DRLs दी गई हैं, जिसका शेप राउंड में है, और साथ ही इसका जो हैंडल है वो एक अपराइट पोजीशन वाला हैंडल है, जिससे राइडर को एक अच्छी ग्रिप भी मिलेगी और बाइक के ऊपर अच्छा कंफर्ट भी मिल जाएगा। और इस बाइक को एक रेट्रो डिजाइन देने के लिए इसमें आपको टक एंड रोल सीट्स दी गई हैं, जिसमें आपको काफी डिफरेंट डिजाइन मिल रहा है, और फ्रंट फोक में शॉक कवर्स भी दिए गए हैं, जिससे फ्रंट को और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। और साथ ही अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करता हूं इस बाइक की, तो वहां पे आपको एक स्लीक डिजाइन वाली LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। और इनफैक्ट यामाहा की FZX मोटरसाइकिल उसी सेम आर्किटेक्चर पर बनाई गई है जिस पे FZ की वर्जन 3 मोटरसाइकिल बनाई गई थी, बट इसका जो डायमेंशन है वो बाकी बाइक से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये FZX लॉन्गर भी है, टॉलर भी है और वाइडर भी है। और एक्सटीरियर फीचर्स के हिसाब से तो ये बाइक काफी मॉडर्न दिखाई दे रही है, बट आइए अब देखते हैं कि इसके इंजन कैसे होंगे, क्या इंजन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और यामाहा ने अपनी इस एक्सक्लूसिव FZX में आपको वही सेम इंजन दिया है जो FZ की बाकी बाइक से मिलता है, जो 149cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और ये बाइक 12.2 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है और 13.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है, जिसमें आपको 5 स्पीड वाला ट्रांसमिशन दिया गया है। तो लुक्स में तो आपने देख लिया कि ये बाइक काफी अलग है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो तो सेम है और इंजन पावर भी सेम है, लेकिन अब देखना ये है कि इस बाइक में आपको कोई नए फीचर भी मिलते हैं या वो भी सब पुराने हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें आपको कौन से नए फीचर्स दिए गए हैं। और सबसे पहले और सबसे काम का फीचर मैं आपको बताता हूं जो इस बाइक में दिया गया है, वो है इसका चार्जिंग सॉकेट। जी हां, इस बाइक में आपको USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जिससे आप लोग अपनी बाइक को राइड करते समय बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी दिया गया है, यानी मतलब यह है कि जब आपकी बाइक का स्टैंड नीचे होगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि ये काफी सेफ्टी वाइज भी काफी सही तरीके से डिजाइन करी गई है। और इस न्यू यामाहा FZX में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ब्लूटूथ इनेबल्ड है, जिससे आप लोग अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके काफी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपनी बाइक का फुली डायग्नोस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको माल फंक्शन नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, यानी अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से, और काफी सारे हेल्थ चेकअप और फ्यूल कंजम्पशन भी आप लोग इस बाइक में चेक कर पाएंगे। और साथ ही एक काफी कमाल का फीचर दिया गया है कि आप लोग अपने माइलेज की रैंकिंग भी चेक कर पाएंगे, और इनफैक्ट आपने बाइक लास्ट टाइम कहां पर खड़ी करी थी, ये लास्ट पार्किंग लोकेशन का भी फीचर आपको इस बाइक में एक्सक्लूसिवली दिया गया है। और यामाहा की इस FZX में आपको 3 कलर ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला है ब्लैक, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ऑरेंज। तो ये तो आपने देख लिया कि इस बाइक पर आपको कितने सारे कमाल के एडवांस फीचर्स भी दिए जा रहे हैं और काफी नए फंक्शंस भी दिए जा रहे हैं, बट ये बाइक अगर आप लोग लेने का मन बना रहे हैं तो आपको ये बाइक कितने की पड़ेगी, यानी इसका क्या प्राइस होने वाला है, वो भी आइए देख लेते हैं। और यामाहा की इस 149cc वाली FZX का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1.16 लाख से शुरू होता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी इस बाइक में आपको 2 वेरियंट्स मिलते हैं, पहला जिसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता और दूसरा जिसमें आपको ब्लूटूथ मिलता है। तो जिसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता उसका प्राइस है 1.16 लाख, जो मैंने आपको बता दिया, और वो प्राइस जो आपको टॉप मॉडल का पड़ेगा वो है 1.19 लाख।
एक्सशोरूम। तो आपको ये बाइक कैसी लग रही है? मैं जानता हूं कि आप लोग थोड़ा सा डिसहार्टेड हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यामाहा XSR आएगी, लेकिन यामाहा ने अभी तक ऑफिशियली तो कोई कंफर्मेशन नहीं किया है, बट होप किया जा रहा था कि ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी। और इस बाइक का भी जो लॉन्च था वो काफी डिले हो चुका था ऑलरेडी कोविड की वजह से। लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ये बाइक कब तक लॉन्च होगी, अब तक लॉन्च की नहीं हुई। तो उसका वजह सिर्फ यही थी कि कोविड की वजह से इसका लॉन्च जो था वो काफी डिले हो गया था। बट अब ये बाइक फाइनली लॉन्च हो चुकी है, आप लोग के सामने आ चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग को बाइक पसंद आई होगी। XSR का इंतजार करिए, हो सकता है इन फ्यूचर वो भी आ जाए। लेकिन आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इसी तरह की एक्सक्लूसिव अपडेट देखना चाहते हैं तो अभी के अभी मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बटन दबाना है और फ्री में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी तरीके अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ रिव्यूज कंपैरिजन भी लेकर आता रहता हूं जो आपके काफी पसंद का होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।